सरकारी अस्पताल का नाम सुनकर अक्सर मरीज डरते हैं, लेकिन करनाल सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने दूरबीन के जरिए घुटनों का सफल ऑपरेशन करके नई मिसाल कायम की है। हरियाणा के किसी सिविल अस्पताल में पहली बार ऐसा ऑपरेशन किया गया है। अभी तक ये ऑपरेशन बड़े बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध थे, जिसका खर्च गरीब नहीं उठा सकते थे। सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा मिलने से करनाल समेत प्रदेश के मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों की मोटी फीस से निजात मिल सकेगी। देखिए, बेसिकली हम यहाँ पे गरीबों के लिए ही, मुझे लग रहा है, हम यहाँ पे एक एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग की है कि आर्थोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन की, जो कि इलाज मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होता। जहाँ का गवर्नमेंट में करवाना, तो यूजली पेशेंट को PGI चंडीगढ़ या फिर रोहतक रेफर किया जाता है, अदरवाइज पेशेंट को प्राइवेट में करवाना पड़ता है, जिसके लिए पेशेंट को काफ़ी पेमेंट पे करना पड़ता है। पूरे पेशेंट्स इतना अफोर्ड कर नहीं पाते, इसलिए अब हमने सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस यहाँ स्टार्ट की है और धीरे धीरे हम इस सर्विस को और आगे बढ़ाएंगे। आज हमने आर्थोस्कोपिक लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन किया, धीरे धीरे हम नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सब सर्विसेज भी यहाँ स्टार्ट करना चाहेंगे। करनाल के डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल में दूरबीन से घुटनों का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को ACL रिकन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता और डॉक्टर हिमांशु बंसल ने। डॉक्टरों की टीम ने पहली 31 साल के रवि पाल के घुटनों का सफल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का निजी अस्पताल में खर्च 70,000 से 1,00,000 रुपए तक होता है। अब सिविल अस्पताल में ये सुविधा होने से मरीज महज 30,000 से 35,000 रुपए में ये ऑपरेशन करा सकते हैं। पहले इसके लिए रोहतक PGI या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता था। ऑपरेशन से ज्यादा मरीज अस्पताल की सुविधा से खुश हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में एक ACL लिगामेंट इंजरी होती है, उसका ACL रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, ये पहली बार हुआ है सरकारी सिविल हॉस्पिटल में। तो ये जो इंजरी होती है स्पोर्ट्स पर्सनल में बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पैर घूम जाता है या घुटने मुड़ जाता है, जिसके कारण ACL लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि ये सरकारी अस्पताल में बहुत कम रेट में हमने ये सुविधा मरीज को मिलती है, और अब ये शुरू हुई है। तो आगे जो भी मरीज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी कराते हैं मरीज, उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, तो सरकारी अस्पताल में वो खर्चा उनको बहुत कम आएगा, तो उनको काफ़ी लाभ होने वाला है। सर, मेरा ये घुटने का लिगामेंट फ्रैक्चर था। ओके, तो क्या नाम है, मैंने आपको फिर करनाल हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कार्ड बनवाया, साहब को दिखाया, फिर डॉक्टर साहब ने फिर कोई बात नहीं कर देंगे, इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा, फिर एडमिट करा, इन्होंने एडमिट करवाने के बाद फिर मेरा ऑपरेशन करा। और मैंने जैसे देखा कि मतलब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी पटिया मतलब फैसिलिटी दी, सर ने केयर भी करी काफ़ी, मतलब सौरभ सर ने और हिमांशु सर ने काफ़ी मतलब अच्छा फील करा। और मतलब ये है कि 2 दिन के अंदर इन्होंने मेरे को मतलब रिलीफ इतना दे दिया कि चलवाना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं सिविल अस्पताल के PMO डॉक्टर पीयूष शर्मा ने उम्मीद जताई है कि इस ऑपरेशन के बाद आने वाले समय में सिविल अस्पताल में एडवांस आर्थोपेडिक सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर स्पाइन सर्जरी, घुटने और कूल्हे का प्रत्यारोपण भी किया जा सकेगा। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम में 2 नए डॉक्टर्स करनाल में आए हैं। इन लोगों ने अपने उत्साह से और नई नॉलेज से एक इस प्रकार का एक कठिन ऑपरेशन इन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक किया है। इस ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। ये ऑपरेशन ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन हमारे इन डॉक्टरों की मेहनत और हमारे बाकी स्टाफ के सहयोग से इन डॉक्टरों ने ये छोटी जगह में भी और अपने लिमिटेड साधनों में भी इस तरह का ऑपरेशन करके बड़ा ही उत्साहजनक कार्य किया। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि करनाल के साथ ही पूरे प्रदेश के लोगों को इस सुविधा से राहत मिलेगी। ETV भारत हरियाणा के लिए करनाल से मुनीश तोरण की रिपोर्ट।